ओके अभी एल से फ्लैटर डेमो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल से फ्लैटर डेमो? अब आप सिचुएशन सोचो, देखो प्रोग्रामिंग करनी है तो सिचुएशन आपको सोचनी पड़ेगी बेटा, जब तक सिचुएशन नहीं सोचोगे तब तक आप चीज़ों को समझोगे कम। हम हर बार पॉसिबिलिटी को सोचते हैं, प्रोग्रामिंग में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी कंडीशन होंगी, जैसे मैं अगर बोलूँ ग्रेड्स या ग्रेड, हम ग्रेड्स कैसे मिलती हैं हमें, डिपेंड्स ऑन परसेंटेजेस, है ना। अब ये मान लो कि आपका ग्रेड A1 या A कब आता है, जब आपका परसेंटेज 80 या 90 से ज़्यादा होता है। B कब आता है, जब 75 से ज़्यादा होगा। C कब आएगा, जब 50 से ज़्यादा होगा। D कब आएगा, जब 33 से ज़्यादा होगा। E कब होगा, जब 0 और 33 के बीच में होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, और कई जगह ऐसे होता है, A1 होता है 90 से 100, A2 होता है 80 से 90, ए फिर होता है B1 होता है 70 से 80, फिर होता है B2 होता है 60 से 70, फिर C1 होता है, ठीक है, 50 से 60, फिर C2 होता है 40 से 50, फिर D होता है 33 से 40, फिर होता है E1 राइट, जिसमें 20 से 33 होता है, फिर होता है E2 जिसमें 0 से 22 होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ किसकी है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे परसेंटेज ऑब्टेंड की। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर मैंने परसेंटेज राइट, अब ये तो आप खुद ट्राई करोगे राइट, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला ऊपर वाला समझाऊंगा, नीचे वाला आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसको समझो कि मैंने क्या बोला है, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है, यानी बिटवीन 90 एंड 100 हुआ ना, ये 75 से 90 हुआ, ये 50 से 75 हुआ, ये 33 से 50 हुआ, और ये 0 से 33 हुआ, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो इसका मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है, अब परसेंटेज तो एक ही होगा कि बहुत सारे होते हैं, इसका परसेंटेज कितना होता है, एक होता है कि बहुत सारे होते हैं, कैसे, अगर मैं बोलूँ ओवरऑल सब्जेक्ट्स का, ओवरऑल परसेंटेज की बात हो रही, तो ग्रेड ओवरऑल आता है, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड होगा, ओवरऑल भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट वाइज भी होगा। और अभी हम मान लेते हैं कि एक ही वैल्यू है हमारी परसेंटेज की, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डॉट में भी तो हो सकता है ना, फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज को मैं शॉर्ट में पी कर देता हूँ। चलो अभी यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, एंटर द परसेंटेज ऑफ टाइम, स्कैन एफ करेंगे, परसेंटेज एफ एंड पी, ठीक है। अब परसेंटेज हमारे कितने होंगे पता नहीं, पता नहीं ना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो परसेंटेज तो हमें पता नहीं है कितना होगा, लेकिन हमें सिचुएशंस पता है कि परसेंटेज यहाँ तो आपकी 90 या 100 के बीच में अगर आती है, तो हम कैसे चेक करेंगे, क्या पी इज ग्रेटर देन 90 एंड, याद है ना लॉजिकल ऑपरेटर, पी इज लेस देन इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या हुआ, क्या परसेंटेज 90 से ज़्यादा और 100 के बीच में है, यानी 100 तक है, तो अगर नहीं है तो एल्स होगा ना। अब 90 और 100 के बीच में नहीं है तो उसके बाद क्या बचा, ये क्या बच गया, 0 से 90 हो गया ना ये, लेकिन यहाँ तो दूसरा दिया है कि भाई 75 से 90 का दूसरा कंडीशन होना चाहिए। अब मैं दूसरी कंडीशन तो लिख नहीं सकता, क्योंकि एल्स में तो आप कंडीशन लिख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, एल्स आया ना, स्पेस दे के या एंटर मार के, स्पेस जनरली प्रेफर करते हैं, इधर इफ लिखते हैं कि भाई एक और सिचुएशन है 75 से ज़्यादा एंड 90 तक। अब अगर किस, जरूरी है कि सबकी 90 और 100 के बीच में आएगी, नहीं, तो जिनकी आएगी तो उनको ये कंसिडर होगा, अगर ट्रू हुआ तो ये कंसिडर होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ आपकी 90 और 100 के बीच में, तो आपको हम प्रिंट आउट करके क्या बोलेंगे, योर ग्रेड इज ए, ऐसा बोलेंगे ना, तो ग्रेड इज ए। अब बोलता है कि भाई हमारी 90 और 100 के बीच में तो है ही नहीं, हमारी तो भाई 78 है, तो यहाँ 78 90 से बड़ा है, नहीं 78 100 से छोटा है, हाँ, लेकिन एंड का मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए ना, ट्रू एंड ट्रू, याद है ना, एंड तो दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, लेकिन ये तो हाँ बोल रहा है और ये ना बोल रहा है, तो फॉल्स हो गया, तो एल्स में आ गया। क्या 78 75 से बड़ा है, हाँ, क्या 78 90 से छोटा है या बराबर उसको, हाँ, तो हाँ हाँ हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा। अब क्या बोलेंगे, ओके 78 है तो तुम्हारा ग्रेड बी है, लेकिन क्या जरूरी है सबका 75 और 90 और 100, और भी तो है। अब इसका इफ है, इफ का एल्स लिखो,
इस इफ का एल्स है, लेकिन एल्स में तो कंडीशन लिख नहीं सकते, तो भाई एक और इफ लगाओ और एक कंडीशन लिख दो। क्या भाई तुम्हारा परसेंटेज 50 से ज्यादा और क्या 75 तक है, 50 या 75 के बीच में है, तो यहाँ अगर है तो क्या क्या इसका मतलब तुम्हारा ग्रेड सी है ना, दैट इज व्हाट द ए बी सी। नाउ व्हाट अबाउट दिस डी, ये भी तो हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 33 और 50 के बीच में आएंगे, तो यहाँ तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा 38 आया, तो 38 90 से बड़ा है, नहीं 100 से छोटा है, हाँ तो एक नहीं एक, हाँ एक नहीं एक ना, हाँ तो गलत हो रहा है, यहाँ भी नहीं हाँ तो ये भी गलत हुआ। तो इफ है तो इसका एल्स आएगा, तो क्या कंडीशन है, हाँ है, तो लिख दो एक और कंडीशन। अगर ये कंडीशन अभी क्या होगी, अब यहाँ कंडीशन क्या आनी चाहिए, राइट, क्या हमारी वैल्यू 33 से ज़्यादा है एंड किससे कम होगी, क्या आएगी इधर, बोलो बोलो जल्दी सोचो, 33 से ज़्यादा और किससे कम करना है, 50, वेरी गुड। तो 33 और 50 के बीच में, लेकिन 33 पे भी तो पास होता है ना, 33 आया तो फेल होगा, उसमें तो पास होता है, तो यहाँ भी आप लगाओगे इक्वल्स टू, कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, क्योंकि 33 पे भी पास है और 50 यहाँ सब तरफ इक्वल इक्वल लगा था, लेकिन यहाँ नहीं लगा है ना, यहाँ तरफ इसमें खाली इसमें आएगा, 33 भी आएगा यहाँ, इट्स अ वैलिड। तो अगर ऐसा है तो आपका ग्रेड डी। अब बताओ एक और कंडीशन क्या आनी चाहिए अभी, क्या पी ग्रेटर देन 0 है एंड क्या पी लेस देन 33 है, अगर इसके बीच में आते हो तो आपका मतलब आए ई ग्रेड। अब बताओ इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है, हमने 0 से 33 दे दिया, 33 से 50 दे दिया, 50 से 75 दे दिया, 75 से 90 दे दिया, 95 से 100 दे दिया, सारा दे दिया ना देखो टेक्निकली। अब मुझे बताओ इसके अलावा कुछ हो सकता है, तो एल्स का क्या रोल है इधर, बताओ बताओ, फेल कैसे, फेल तो यहाँ आया ना बेटा 0 से 33। अब इसके अलावा एल्स की जरूरत क्या है, एल्स सिचुएशन देखो, सिचुएशन ये होगी ना, सिचुएशन सोचो 90 से 100 के बीच में कोई होगा तो भैया ए आ गया, राइट, दूसरा 75 से 90 होगा तो बी आ गया, तीसरा सिचुएशन तो 50 से 75 आ गया तो सी आ गया, अब 33 से 50 आया तो डी आया, 0 से 33 आया तो ई आया, फिर इस ये सिचुएशन कौन सी होगी, लिख सकते हैं ना, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्या होगी जो इसके अलावा भी हो सकती है, वो है गलती। अगर आपने गलती से 110 कर दिया तो गलती नहीं कवर करोगे, तो रॉन्ग इनपुट नहीं हो सकता है, टाइप करते समय गलती नहीं हो सकती क्या, हो सकती क्या, नहीं तो उसको भी तो हैंडल करना है ना हमें, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग इनपुट। ओके समझ में आया, अब इसको रन करके देखते हैं, 0 else if letter सेव, रन करते हैं, देखो बोलो कोई भी वैल्यू बोलो, 95 आ गया ए, दोबारा रन करो, 85 बी, 65 सी, 55 अगेन सी एंड 45 यू सी डी, 35 डी, राइट, 25 ई, देन यू सी अगेन 15 ई, 5 ई, -5 रॉन्ग, 105 रॉन्ग, हो गया ना। तो इस तरह से हमने ये सारा का सारा else if letter को कंसेप्ट को समझा। अब मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, else if letter भी समझा दिया, next step भी हो गया और if भी हो गया। अब आपके प्रोग्राम्स के बारे में,